क्या आपने ऐसे शहर के बारे में सुना है जहां की घड़ियों में 12 बजते ही नहीं है? नहीं तो हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। वैसे तो आपने 24 घंटों वाली पूरी घड़ियां तो देखी ही होगी, मगर ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि किसी घड़ी में 12 कैसे नहीं बजते होंगे। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी अजब गजब जगह के बारे में बताएंगे जहां घड़ियों में 12 बजते ही नहीं है। हमारी घड़ी में 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं, मगर दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां की घड़ियों में 12 अंक ही नहीं होता। इसका मतलब कि यहां की घड़ियों में 12 बजते ही नहीं है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड के सोलार्थन नामक शहर की, जहां रहने वाले नवंबर 11 के पीछे इस कदर दीवाने हैं कि उन्होंने अपनी घड़ियों में 12 नंबर को रखा ही नहीं। स्विट्जरलैंड के इस शहर में सारी घड़ियां ऐसी हैं जिनमें सिर्फ 11 तक ही अंक है। यहां तक कि चर्च और चैपलों में लगाई जाने वाली घड़ियों में भी 11 ही बजा करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस शहर के हर व्यक्ति को 11 नंबर से बेहद लगाव है और यहाँ की हर चीज़ों को 11 नंबर से जोड़ा जाता है। इस शहर में 11 संग्रहालय, 11 टावर और 11 ऐतिहासिक झरना मौजूद है। शहर के मुख्य चर्च की सेंट उड्स में भी 11 नंबर का काफ़ी महत्व है। इस चर्च को बनाने में 11 साल लगे थे। इतना ही नहीं, इस चर्च के 11 दरवाजे, 11 खिड़कियां और 11 ही घंटियां लगी हुई है। 11 अंक की दीवानगी इतनी है कि इस शहर का जन्मदिन भी 11 तारीख को मनाया जाता है। केवल इतना ही नहीं, लोगों को दिए जाने वाले तोहफे भी 11 अंक में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। शहर के लोगों का 11 अंक से लगाव आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चलता आ रहा है। इससे जुड़ी एक कहानी के अनुसार सोलार्थन के लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपने जीवन को खुश नहीं रख पाते थे। तभी शहर की पहाड़ियों से एक एल्फ आया और उसने लोगों को हौसला बढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद यहाँ के लोगों के जीवन में खुशियाँ आने लगी। आपको बता दें कि जर्मन भाषा में एल्फ का मतलब 11 होता है और इसी कारण से सोलार्थन के लोगों ने हर चीज हर जगह को 11 अंक से जोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ की हर एक जगह पर 11 अंक से जुड़ी कोई ना कोई वस्तु या व्यक्ति विशेष दिखाई देता है। घड़ियों में भी 11 तक ही अंक दिखाई देते हैं और घड़ी में 12 कभी नहीं बजते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया कर इस पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्ते।